नमस्कार देखने के बाद में स्वागत है। चर्चा चल रही है बटने रहा मदार से हमारे साथ में जी दुधना ने गुरुदास्वामी और नौनी काका का पूरा लाभ सरकार का पूरे लोकसभा मदार से ने लिया और पूरी ग्राउंड की जानकारी का साथ साथ में दी बहुत और जो पिछले 15 साल से लगातार हर इलेक्शन में करीब लोकसभा और विधानसभा 30 साल से क्योंकि दूसरी की परिस्थिति बहुत ज्यादा हो गई है, डिपेंड करती है जाति का सम्मेलन पर बात ना करें, लेकिन जाति का सम्मेलन पार्टी का इन्वेंशन हो गया था। अब हमारे के मतदाता संघ में यहाँ पर कुल मतदाता का बताया गया था और मतदान लेकिन आप ये देखो कि अमरावती में आपका अमरावती में आपका लाल खेड़ी उर्दू से स्कूल, उसके बाद में आपका चपरासी पुरा, ये जो एरिया है वो एरिया में आप वोटिंग परसेंटेज देखो 70% कभी भी उस एरिया में इतना वोटिंग हुआ नहीं। उसी दिन जुमे का दिन था, शुक्रवार का नमाज का दिन था, सारा वो नहीं, मैं गया था लाइब्रेरी में, इतनी लड़ाई थी, मैंने वीडियो लिए हुए 100 मीटर तक की लाइन थी, मैं लेडीज भी थी, तो वो लोग मुस्लिम लोग लेडीज जैसे आए वैसे उनको अपने आप आगे जाने दे रहे थे, तो वहाँ ऐसा हो रहा है कि जो पास टाइम में नमाज था वो सिर्फ जाके आ रहा था, नमाज पढ़ रहे थे, बाकी पूरे जाते हुए मेरे जैसे लोगों ने
गांधीनगर से उन्होंने डायरेक्ट यही गांधीनगर में लेडीजों को बाहर निकालने के लिए कभी भी नहीं तो टाइम मंडू पटोले से लेकर मैं देख रहा था नीचे तक का कार्यकर्ता कांग्रेस का कि मैं आपको काजू लगेगा आपको कि जो अपनी काउंटी होने जा रहा है काउंटी के इवेंट के लिए नाम बड़ा बड़ा सब लोग कह रहे थे 3-400 लोगों को नाम बड़ा बड़ा जीते अलाउड ही नहीं तो क्या कहा से नहीं यानी जो पहले लोगों को भूत के आदमी ने भी मिलता था यहाँ एक्सेस तो इसका मतलब आप यू कैन नॉट डिनाई द प्रैक्टिकल जो हो गया है अब उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते आपको एक्सेस करना ही पड़ेगा। दूसरी बात जैसे कि कैमरा ने क्या है कि 1,25,000 मुस्लिम लोगों के उसमें 70% मुस्लिम के पूरा का पूरा इधर के बहुत तो समाज वो भी देखो कितने हैं और ये मैं बीएससी वंची फैक्टर चला ही नहीं क्योंकि मैंने देखा ना वो बिल्कुल चला नहीं और जो अभी मुजफ्फर का बेड जो वाइट कॉलर एरिया जो बोलते हैं सुशिक्षित जो बीजेपी के सामने जा जाता है वहाँ 80% कम हो गया जैसे वहाँ पे अगर 100 वोट हो गए होंगे तो मैं मानता हूँ 70% वोट बाकी गए भी होंगे 5% दिने के बुक गए होंगे 25% इसको लेकिन यहाँ पे 98% ये सामाजिक तौर पर शाम को 5 बजे के बाद ये एरिया में भी वोटिंग का परसेंटेज एकदम से बढ़ा हुआ है। बढ़ा है लेकिन फाइनल आंकड़े देखो ना कि एक शक्ति जेव्हा ताकदीने कामाला लागते तर टू एव्हरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हा नियम आहे। बरोबर आहे तुमचं म्हणणं मला माहिती आहे की मुस्लिम एरियामध्ये खूप जास्त परसेंटेज होत आहे त्याला आता आपणही केलं पाहिजे परंतु त्यांचा जोश त्यांची एकता तेवढी इथून दिसून येत नाही तर तेवढा उत्साह जो आहे ना तुम्ही 5 नंतर माणूस मी असं बघितलंय बरंच वेळा त्या 134 नंबरच्या बूथवर मला पटकन वोटिंग झालं 5 मिनिटात पण तेच 133 मोठी लाईन लागली होती तर उन्हाचं ऊन होतं तर त्याच्यातले 25-30 लोक निघून गेले। मी मानतो ना मी मानतो मी स्वतः पूर्ण 6:30 पर्यंत पूर्ण शहरातले बूथ फिरत होतो काही काही ठिकाणी प्रॉब्लेम आले की लोकांचे नाव मध्यरात्री दिसले नाही ऐकून घ्या परंतु आता जसं तुम्ही सांगितलं मी तुम्हाला उत्तर दिलं की टू एव्हरी एक्शन देयर इज इक्वल अँड अपोजिट रिएक्शन 5 वाजेनंतर याही पट्ट्यामध्ये वोटिंगसाठी प्रचंड प्रमाणात लोक बाहेर निघाले समजून घ्या। त्याच्यामुळे तुम्ही जे समीकरण मांडताय त्या समीकरणाला जनतेने काय उत्तर दिलं हे आपल्याला 4 तारखेला माहिती नाही लेकिन वोट का प्रतिशत जो नाही प्रतिशत पहा तुम्ही एरिया वाइज नाही नंबर ऑफ वोटिंग पहा प्रतिशत नका पाहू वो नंबर ऑफ वोटिंग इन दैट एरिया क्षेत्रों में टोटल 50-60% के अंदर वोट हुआ वही मुस्लिम बोल रहे हैं 65-70% हुआ है सारा इस समीकरण कर तो वहाँ का एक जो वन साइड जो वोट है भाई वन साइड भाई परिमल नहीं मानता कोणत्या जाती समुदायाविषयी मी बोलत नाही कारण तो आम्ही पहिल्यापासून त्या धर्तीवर कधीच काम केलेलं नाही आहे पण महिला ही नवनीत राणांची ताकद आहे एक गोष्ट आता लक्षात घ्या आणि मोदीजींनी जे अल्पसंख्याक समुदायांच्या महिलांसाठी काही निर्णय घेतले मला किंवा आमच्या आम्हाला विश्वास आहे की त्या महिलांनी सत्सद विवेक बुद्धीला स्मरून नवनीत राणांना नक्कीच सपोर्ट केला असेल। मी एक तुम्हाला एक सांगतो की अमरावती मतदारसंघाचे आमदार कोण आहे खोडके कुठेतरी दिसले का तुमच्या प्रचारामध्ये नाही बरोबर आहे की नाही म्हणजे पण ते काँग्रेसच्या प्रचारामध्ये पण नाही दिसले नाही दिसले ना काँग्रेसचे सुलभाताई खोडकेला म्हणून दिसले नाही तेव्हा जेव्हा काँग्रेसला जी मतं मिळाली ते सुलभाताईचा फेस पाहून नाही मिळाले ते काँग्रेसचेच मत होते ते काँग्रेसला मिळणारच आहे पण तुम्ही जे संजय खोडके जे शरद अजितदादा पवारच्या गटातले होते ते सुद्धा कुठे दिसले नाही ना ते तुमच्याच अलायन्स मध्ये होते तुमचे शिवसेना शिंदे गटाचा निग्लिजिबल झिरो झिरो असल्यासारखेच आहे त्यामुळे तुम्हाला फक्त बळ जे आहे तुम्ही डिपेंड राहणार आहे फक्त आणि फक्त कमळाच्या ओटी आणि कमळाचे जे लीडर होते ते 90% लीडर तुमच्या टोटली मनातून याला तुम्हाला एक उत्तर देतो नेत्यांबद्दल तुम्ही जे बोललात
त्याच्यावर आमचं कुठलंही ऑब्जेक्शन नाही. म्हणजे ऑब्जेक्शन इन द सेन्स कसं की नेत्यांनी त्यांचं काम केलेलं आहे. तुम्ही सुलभाताईंबद्दल बोलल्या, सुलभाताई महायुतीच्या घटक आहे, त्यांना ज्या पद्धतीने काम करायचं त्यांनी त्या पद्धतीने काम केलेलं आहे, त्यांच्यावर कुठला आरोप आक्षेप आमचा नाही आहे. अजितदादा पवारांनी स्वतः इथे सभा घेतली आमच्यासाठी. जब उनका बड़ा लीडर बड़े लीडर आते हैं तो नेचुरल तौर पर, तुम्ही जे नाव घेतले कार्यकर्त्यांचे तो फॅक्टर नाही आहे, पण खासदार म्हणून 5 वर्ष आम्ही आहे. चंदूभाई फरक ध्यान में रखो, वहां पे सांसद करके हम आए तो जैसा उनका अंदर की कह रही है वैसा हमारा खासदार की कह रही है. हमने नवसारी से लेकर कठोरा नाका से लेकर तो हर एरिया में हमारे मिनिमम 20-20 लाख 25-25 लाख के काम है. समझूंगे चंदू, हर एरिया में आप कहीं भी जाके दो, अमरावती विधानसभा क्षेत्र असो, बंडेरा विधानसभा क्षेत्र असो, दर्यापूर असो, तिवसा असो, मेघाट असो, अचलपूर असो, प्रत्येक गावात, प्रत्येक वार्डात, प्रत्येक एरियात करोड़ रुपयांची कामं आम्ही केलेली आहे. त्यामुळे असं म्हणून चालणार नाही ना, लोक विकास बघणार नाही का? विकास बघणार नाही का? लोक वोट मांगे गया क्या? 100% विकास के आधार पर. अरे हमारा विकास हमारी शक्ति है, हमारा जनसंपर्क हमारी शक्ति है, हमारा मिलनसार व्यक्तिमत्व हमारी संपर्क शक्ति है. वो आप मायने क्यों नहीं रखती? परंतु आम्ही ज्या ज्या एरियात फिरलो त्या त्या ठिकाणी असं आम्हाला कोणीच सांगितलं नाही की आम्हाला यांनी हे बांधून दिलं म्हणून आम्ही हे केलं. आम्ही त्यांना म्हणायचो अरे तुम्हाला ती वॅगनची फॅक्टरी, म्हणजे त्यांनी थोडी आणली, प्रतिभाताई पाटलांनी आणली. अशा लोकांचे जे तुम्ही म्हणता बघा नितीन भाऊ, कामावर मत कारखाना प्रतिभाताई पाटलांनी आणला हे आम्ही अत्यंत नम्रपणे प्रत्येक वेळी सांगितलेलं आहे. परंतु त्याला पूर्णत्वाला नेण्याचं काम, उसको कंप्लीट करणे का काम, भैया वो 135 करोड़ 200 कुछ करोड़ की निधी के लिए वो काम अटका हुआ था 3 साल से. नवनीत जी ने संसद में उसके बारे में कितना पत्र व्यवहार किया, कितने क्वेश्चन पूछे, हर रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है. और वो निधि लाकर आचार संहिता के पहले पंतप्रधान मोदी जी के द्वारा अपन ने वो ऑनलाइन तरीके से उसका उद्घाटन किया. मतलब काम उसका पता नहीं लाया करता नहीं, क्योंकि पूरे पूरे वैगन फैक्ट्री में अपने अमरावती के हमाल और छोटे वर्कर छोड़े तो किसी को रोजगार मिला नहीं, सब बाहर के रोजगार. अमरावती में अभी मैं तो एमआईडीसी में तो इंडस्ट्री एसोसिएशन का ये भी था. आपने एक अमरावती नांगा एमआईडीसी में इतने बड़े बड़े कारखाने आए उसमें 20% जो है एम्प्लॉयमेंट वो अमरावती वालों को मिला है, वो भी सिर्फ सिक्योरिटी अनस्किल नहीं, बाकी सब बाहर से लाए. और सुनो, वहां से मिलने वाला रेवेन्यू अमरावती के कुछ भी काम में नहीं आने वाला, नहीं आ रहा. देखिए चलिए मजे की बात आ रहा है. बिल्कुल बिल्कुल. दूसरी बात, हमारी 7,001 जमीन उनको दे दी गई बाहर के लोगों को, ताकि हमारे लोगों को क्या, हमारे लोगों को क्या फायदा हो गया? पोल्यूशन हमारे आ गया, सब उनका जो वेस्ट वाटर है वो सब वहां नाले में जा रहे हैं. तो ये सब हमने बातें बोल दी है. तो कहीं पे भी पूरे मतदार संघ में आम जो मतदार है, हम भी जो डिस्कस कर रहे हैं, हम भी आधार क्या बना रहे हैं कि जातिगत समीकरण ही यहाँ पे सबसे ज्यादा है. कोई इसमें आपकी इंडस्ट्री काम में नहीं आई, कोई आपका रोड काम में नहीं आया. इसकी जात के कितने वोट है, इसके हिंदुत्व के वोट कितने, इसके वोट कितने हैं, मंगलसूत्र खतरे में घर खतरे, ये सारा यानी ऊपर से सारा का सारा चला. ये ठीक है, आपको बता रहे कि आप 15 साल का आपका जनसंपर्क लोगों में पैड जो आपके पास में है, और बीजेपी ने शायद ये सारी चीजें देखते हुए आपको अचानक से पूरी की पूरी बुला के टिकट दी है पूरी पूरी. अब जो आपको नवनीत राणा का 35% लगता है, आपको कितना लगता है अमरावती में कितना मिलना चाहिए? क्योंकि देखो विकास के काम पे वोट हम लोग सब नहीं समझे. विकास के काम पे कोई विकास के काम पे होता बलवंत दानखड़े कोई काम ही नहीं, वो था ही नहीं, तो कोई वोट ही नहीं मिलना चाहिए. तो कितना आपको क्या लगता है? आपने जो 55-35 किया है ना, अमरावती विधानसभा में 50-50 रहेगा मेरा अंदाज है. वो भी स्थानीय है तो उसका भी कहीं ना कहीं आपको बोलना है कि आपका बलवंत वानखड़े के बराबरी वोट मिले, जितने मिले उनको 50 मिले, हमको 50, उनको 55 मिले, हमको 55, हमको 40 मिले तो उनको 40, उनसे ज्यादा भी मिल सकते लेकिन कम नहीं मिलेंगे. इक्वल है ना, तो जातिगत समीकरण आप यहाँ पूरा का पूरी तरह नकार दे रहे. जो नितिन मोहन ने बताया था कि 3 लाख का एक गट्ठा वोट मैक्सिमम बलवंत वानखड़े की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, उसको आप नकार रहे. आपको लगता है वो भी आपके तरफ है? अपन एक तिवसा मतदार संघ पे और बोलेंगे, उसके बाद में आपको भी तिवसा मतदार संघ नवनीत राणा को वहां पर भी यशोमती का मतदार संघ है पूरा का पूरा, और पूरा कांग्रेस का कैंपेनिंग पूरा यशोमती ताई ने किया, पालक मंत्री यहाँ की, और तिवसा में बहुत अच्छी पकड़ उनकी है. यहाँ पे हमने नवनीत राणा को 35% वोट किया क्योंकि राजेश वानखड़े आपके वहां पे काम कर रहे थे, बलवंत वानखड़े को 50% वोट दिया, दिनेश बुक को भी यहाँ पे 10% वोट जाते हुए दिख रहे क्योंकि वहां पे प्रहार का जनसंपर्क था वसुमाया संजय देशमुख
और शहर से लगकर है तो शायद वो मिल गया, और अन्य 5% अन्य में भी ये 5% का शायद वापस यहाँ पे भी हमने की गड़बड़ हो सकती थी। 35% नवनीत राणा को तीसरा मतदार संघ में आप कैसे यहाँ पे बढ़त हासिल करेंगे यशोमती ताई का और वानखेड़े का मतदार संघ है? देखिए तीसरा मतदार संघ में यशोमती ताई का गढ़ आप बता रहे हो, मतदार संघ बोला मैंने, गढ़ की बात हाँ, सुनिए तीसरा मतदार संघ में यशोमती ताई जब मंत्री थी उनका प्रभाव निश्चित तौर पर कोई भी अपने अपने क्षेत्र में गिरता है, ये बात को मैं डिनाई नहीं करता हूँ। सेकंड थिंग वो भी रिपीट आमदार है, उन्होंने भी अपना एक प्राबल्य वहां पर सिद्ध किया हुआ है, ये चीज बराबर है। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव ये दोनों में अंतर है। जहां तक हमने लोगों से बात किया लोग बोले ठीक है ताई हमारी विधानसभा में, हम ताई को विधानसभा में, लेकिन भगवंत वो लोकसभा में है। लेकिन नवनीत राणा जी ने सांसद के तौर पर तीसरा विधानसभा में जो कार्य किया वहां पर उनका विचार विशेष रूप से किया जाएगा। क्या सांसद थे इसलिए वहां पे विकास हुआ, बिल्कुल इनको सांसद बनने का मौका नहीं मिला बड़ा वानखेड़े का, भी तो इनको मौका मिलने का भी वो तो लोग अभी आप क्या बता रहे हो ये चीज तो फिर क्या भंडारा मतदान संघ में होंगे, वो दरियापुर मतदान संघ में भी दरियापुर में होंगे, दरियापुर में जब विधायक ने काम किया पूरा दरियापुर में, ये लॉजिक कहां से कि भाई आप विधायक हो आपको उस टाइम पे देंगे या नहीं करेंगे? नहीं नहीं चंद्रबाबू मैं वैसा नहीं, नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं लॉजिकली टेक्निकल बात, आपने जो बोला ना आपने जो बोला इमोशनल बात बोली है, नहीं इमोशनल जी देखिए कार्य प्रणाली कार्य सिद्धता की बात जी बराबर है, इमोशनल वाली बात नहीं, जो आपने पूछा मैंने उसके ऊपर आपका जवाब दिया। 5 साल इनके भी देखेंगे इन्होंने क्या किया उसका भी अवलोकन कहीं ना कहीं किया जाएगा, सारे अवलोकन पे अपन एक तो जाति का सवाल दूसरा अपना प्रेजेंटेशन दोनों चीजों के अगर क्या लगता है तीसरा मतदार संघ में कहीं पे नवनीत राणा का यानी खुद का वोट बैंक रहेगा कि बीजेपी का वोट बैंक रहेगा? ऐसा इसमें अब देखो यशोमती के खिलाफ में राजेश वानखेड़े खड़ा था लास्ट जी, तो शिवसेना और बीजेपी की युति पे खड़ी थी, उसको भी काफी वोट मिले थे शुरू के तो 4-5 राउंड में वो आगे था, लेकिन उसमें शिवसेना का जो गढ़ था वो क्योंकि संजय बन वो एरिया से चुन के आता तो वे टाइम वो सीधे सीधे भगवंता के पास गए शिवसेना के, ये तो आप मान लेंगे। दूसरी बात वरा कुरा तीसा नेरपिंगाई कोल्हापुर जहाँ पे मेरा ये एरिया है मेरा जो खेती भी है कोल्हापुर में 70% पॉपुलेशन मुस्लिम है और बड़ा वहाँ पे मैं घुमा ना वहाँ पे टोटल वोटिंग ऐसा निकला है बाहर कि पूरा का पूरा वो उधर गया और वो वलगांव बेल्ट खरतेजा वगैरह जो बेल्ट है शिरावा पुजदा ये यहाँ पे भी काफ़ी वोटिंग यशोमती ताई ने अपना गढ़ इतना जबरदस्त मनोज देशमुख हो गए ये जो लोग थे जो शिवसेना के लोग हैं या कांग्रेस के उन्होंने इतना काम किया है उधर कि मैं वही बोल रहा हूँ ना कि मैं एकदम हप्पा और नांदगांव जो मेन एरिया है नांदगांव पेट, नांदगांव पेट में मुस्लिम कितने हैं मालूम है ना आपको? 40% पूर्णा नगर नांदगांव पेट के सिर्फ नांदगांव पेट में पूर्णा नगर आप देखो ना उधर भी नहीं वो भी है और जाति के समझ तो वहाँ पे तीसरा मतदार संघ ओबीसी बहुल क्षेत्र है पूरा पूरा जो यानी बीजेपी के फेवर का है ना मैं तो ये ना? भी एक वोट बैंक उनके तरह ने वो बीजेपी से कोई भी खड़ा नवनीत राणा तो वोट बैंक वही तो वोट बैंक की वजह से जो है वो नवनीत राणा जी आपको फाइट में दिख रही है जो जो वोट बैंक जो थी वो अड़सुर को भी मिली थी ना आप ये क्यों डिनाई कर रहे वही वो अड़सुर को जो मिले वोट उसमें वो वोट बैंक थी ना वो आज भी रहेगी मैं नहीं कहा बोल रहा लेकिन उसमें से जो माइनस हो गया अड़सुर के पास में से और इनके जो वोट थे जो उनको मिले थे जीतने के टाइम वो भी माइनस हो गए ना वो आपने कैलकुलेशन में ले रहे आपको क्या लगता 50% नवनीत यशोमती ताई ठाकुर के मतदार संघ में बलवंत वानखेड़े को नहीं मिलेगी? देखिए जिस तरीके से ये देखिए दो चीजें हैं इसमें, एक तीसरा में पिछले 2-4-6 महीनों से टसल दिख रही थी कि तीसरा में यशोमती ठाकुर को लेकर भी बहुत पॉजिटिविटी नहीं है, अगर आप ग्राउंड पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि तीसरा को लेकर यशोमती को लेकर थोड़ा बहुत नाराजगी वाक्य क्योंकि शायद एक एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है वो हो सकता है उसमें। हाँ ये है कि लेकिन इस बार तीसरा में यानी यशोमती ठाकुर ने जिस तरीके से लीड लेके काम किया ना बलवंत वानखेड़े के लिए जिस तरीके से लीड लिया वो एक काबिले तारीफ था, तो उसका मुझे लगता है कि जो बहुत एंटी इनकम्बेंसी थी कि जो मुझे ऐसा लग रहा है कि 50 हाँ तो उसमें कुछ 2-1% का इजाफा हुआ हो सकता है। नहीं नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लगभग 40% तक जाएगा जो पहले 30-32% तक था, ये यशोमती ने जो लीड लिया उसके कारण 5-7% बढ़ेगा पर 50% मुझे नहीं लगता नवनीत राणा की तरफ जाएगा। ओबीसी देखिए ओबीसी पहले से ना भाई आप
आप क्यों ये समझते हो कि एक चीज कहीं इंटैक्ट होगी तो वो वही इंटैक्ट रहेगी, उससे इजाफा नहीं हो सकता? ये किस किताब में लिखा है मुझे? मुझे लगता है दिनेश बुक क्या लगा रहे आपको जो लगता है दिनेश बुक इतने, मुझे नहीं लगता दिनेश बुक वहां से इतने वोट ले पाएंगे। मैं वही क्या, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर वो नहीं लेके तो वो सीधा सीधा वोट वो कहाँ शिफ्ट हो गए, वो वोट कहाँ शिफ्ट हो गए, मेरी जानना, मुझे ये जानना है। मैं नहीं कह रहा इतना, मैंने ये नहीं कहा कि 10% में से कुछ भी नहीं लेंगे। ये बोल रहे हैं कि दिनेश बुक को यदि कम वोट मिलते हैं तो नवनीत राणा को जाएंगे? बिल्कुल, दिनेश बुक नवनीत राणा के वोट खा रहे ऐसा लग रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये मैंने कहा दिनेश, आपको लग रहा है कि दिनेश बुक इतने वोट लेंगे? मुझे वही तो कहा ना मैंने, कहा ये आपका ये सर्वे जो बता रहे हैं मुझे, मैं इस सर्वे को इसलिए 10% मुझे लगता है प्रहार का अच्छा नेटवर्क है, संजय देशमुख का अच्छा काम है, बहुत अच्छे काम है साहब, लेकिन मैं भी कह रहा हूं जब लोकसभा का चुनाव होता है ना तो बहुत चीजें देखी जाती है। नहीं ये बीजेपी की उम्मीदवार नहीं चलती है, उन्होंने शिट्टी की तरफ वो बिल्कुल, कई लोगों को कांग्रेस भी नहीं चलती ना, फिर वो कहा जाए जिन लोगों को कांग्रेस नहीं चल रही थी या शिवसेना, कई ऐसे मैं जो मेरी जो जानकारी है पूरा नकार देने के बाद नहीं नहीं मैं ये कह रहा हूँ कारण बता रहे, कई ऐसे शिवसैनिक भी है जो मेरी जानकारी में जिनको हाथ पंजा नहीं चलता, चाहे भले आपने किया हो लेकिन उनको नहीं चलता है, तो फिर वो कहा जाएगा? हम एक एक साइड का देख रहे, दूसरे साइड का क्यों नहीं? जैसे आपने कहा ना कि शिवसेना का एक चलेगा तो पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा, हाउ इज इट पॉसिबल? साथ में नहीं रहते, साथ में नहीं, शिवसेना का नहीं चलता बोलते ना कुछ, तो उनको कमल चाहिए, किसने बोला? मैंने ये नहीं कहा कि उसको उनको कमल ही चाहिए, मैं वही कह रहा हूँ, तो उनके पास ऑप्शन क्या है? ये तो वो मैंने कहा दिनेश, देखिए क्या होता है दिनेश बुक का, फिर नहीं आपने जैसे कहा ना कि देखिए क्या होता है, एक शिवसेना का मैं एक बहुत एक आपको उदाहरण, तो शिवसेना का एक वोटर है, उसको लग रहा है कि भैया एक मोदी को लेकर किसी भी शिवसैनिक के, मेरे हिसाब से किसी भी शिवसैनिक ने मोदी को लेकर एक कटुता के भाव नहीं है, आप समझिए जी, मैं टेक्निकल बात कर रहा हूँ, ये कटुता का भाव नहीं, उनको आज भी अगर आप पूछे किसी शिवसैनिक कि भैया प्रधानमंत्री के रूप में, सुनिए ना, सुनिए मेरी बात, मैं तो अमरावती भाई, मोदी का फैक्टर आप मानना पड़ेगा ना आपको, आप शिवसेना की बात कर रहे, तो मैं वही कह रहा हूँ, तो क्या मोदी का फैक्टर नहीं मानेंगे आपकी? मोदी को एक चाहने वाला, मैं क्या कहता हूँ, हर जगह मोदी का 10-15% का एक चाहने वाला एक वर्ग विशेष है, एक जो उसका वोटर है, आप उस वोटर को आप उसको किसी और पार्टी का, चाहे कांग्रेस का, मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये बोल रहे कि वो मोदी की तरफ, अरे जो मोदी उद्धव ठाकरे को नकली लड़का बोलता है, नकली सेना, वो मोदी के, तो वो कैसे मोदी के पास जाए? बिल्कुल है राजू, नहीं नहीं अमरावती की यदि बात करें नवनीत राणा की, तो उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने में अहम भूमिका, बिल्कुल, जहाँ से शुरुआत हुई नवनीत राणा से, शुरुआत नवनीत राणा शुरुआत नहीं करती तो शायद ये सरकार आपकी जानकारी के लिए, एक मिनट आपसे आपकी जानकारी के लिए बता दो, समझिए सुनिए ना, आप बोलते कि शिवसेना एक भी मोदी की तरफ, यदि मेरी मैं सिर्फ एक चीज बोलता हूँ, आप उसमें सहमत होना हो आपकी वो मर्जी, जब 2019 में कांग्रेस बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा, उसके बाद जब शिवसेना ने हाथ छोड़ा तो आपको क्या लगता है शिवसैनिक नाराज नहीं थे? कई शिवसैनिकों ने अपना, मुंबई के आपको बता तो कई शिवसैनिकों ने नाराजगी खुलेआम जाहिर की हुई है, मैं वही कहा आप एक एक साइड का लेकर चल रहे हो, दूसरी साइड की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है? से जाओ उद्धव ठाकरे के घर के सामने, उद्धव ठाकरे को गालियां देंगी, वो एक अलग विषय, मैंने ये कहा, आपने जब कहा कि, तो मैंने आपको इसे बताया कि एक मोदी का जैसा था, मोदी का खुद का बीजेपी के अतिरिक्त मोदी का एक अपना खुद का है वोट बैंक, आप वो समझिए, बीजेपी के तरफ कन्वर्ट हो रहा है, इस बात से हमको भी थोड़ा सा लग, बिल्कुल हो सकता है जाना पूरा चले जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, क्या होता है सेना के साथ में रह के जिसको नहीं पटा वो चले गए, उद्धव ठाकरे को मानने वाले है वो कभी नहीं मानेगा, पूरी पूरी टीम चले गए उद्धव ठाकरे को, जो बचे यदि आप उसमें बोलते वो भी बीजेपी की तरफ जाएंगे, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो आपने तो कहा कि हनुमान चालीसा का कहीं अपने पूरे लोकसभा के चुनाव पर फर्क पड़ा है? हनुमान चालीसा का फर्क ऐसा गिरा है कि हनुमान जी का कृपा और हनुमान जी का प्रसाद दोनों नवनीत जी नानों को मिलने वाला, मंगलवार का दिन है लिख लेना, हमारे साथ में अभी जीतू दुधाने थे, निश्चित रूप से इनको जीत की आशा नवनीत राणा की ही रहेगी, और कैलकुलेशन भी जो बता रहे जो मतदार संख्या थे 6,000 से 7,000 की जीत थी, वो जो बहुत कम ले रहे कभी भी फ्लक्चुएशन हो सकती है, बहुत ज़्यादा ले लिए पूरे यानी 7,000 भी लेने 2% 3% की लीड वो नहीं हो गई, ऐसी स्थिति में अब आने वाला समय तो निश्चित रूप से 4 तारीख को ही पता लगेगा, किस एक फाइनल उस पर पूरी नजर डाल लेते हैं, और हम इसके बाद में हम हमारे इस, क्योंकि हमें बाद में जातिगत समीकरण पे भी चर्चा करनी है, तो अभी फाइनल एक पूरे इसमें जो आपको जीत को बताओ, आपने शायद फाइनल का नहीं देखा था, वो 7,000 कुछ बताया था आपने शायद, हाँ 6-7,000 कुछ उसमें वोटों के साथ में बताया था उसमें सारा,
18,36,078 वोट थे, 11,67,014 वोट है, ये प्रतिशत यहाँ पे 63.54% टोटल वोटदान हुआ। नवनीत राणा को यहाँ पे 5,07,000 वोट, 753 वोट, यानी 43.33% साल में करीब 42-43 के आसपास वोटिंग परसेंट नवनीत राणा को था, और 41 को चुनता था, यानी बहुत कम वोटों का डिफरेंस था 35-36,000 से नवनीत राणा को। और बलवंत वानखेड़े को 5, अब यहाँ स्थिति है कि दोनों भी 5,00,000 से कम यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। आपने भी कैलकुलेट सब जगह किया, आपने अदर जो वोट है वो नवनीत राणा की तरफ, बलवंत वानखेड़े के कहीं वोट आपने कम नहीं किए, कहीं जो भी प्रतिशत दिया होगा वहां पे भी आपके हिसाब से भी बलवंत वानखेड़े को 5,00,000 वोट मिल रहे हैं। लेकिन जो अन्य के ऊपर जो आपका ये था कि दिनेश गुप्त को 1,07,000 और 51,000 अन्य, ये 1,50,000 ये आप चाहते कि आपके तरफ जाए, 6-6.5 लाख का जो आपने 7,00,000 का किया था, तो बलवंत वानखेड़े के सारे प्रतिशत आपने हर जगह माने 7,00,000, तो ऐसे तो ये देखिए 6.5 आएगा। चंदू भाई देखिए, मैंने ये प्रतिशत नहीं माना है जी। अब जाते जाते मैं आपको एक बात बताता हूँ, 50% महिलाओं का वोटिंग है जी। 50% महिलाओं का वोटिंग है, जो भी है 45% के आसपास पकड़ेंगे, 45% महिलाओं में से ज्यादा महिलाओं ने एक महिला शक्ति एक नारी शक्ति होने के कारण और नवनीत राणा का इजी एक्सेस देख के, उनका शिव महापुराण उनकी बाकी चीजें देखते हुए 100% नवनीत राणा जी वोट किया है। एक चीज सब समाज के लोगों ने, सब सभी वर्ग, मैं समाज मानता ही नहीं ना, मैंने नहीं, मानना पड़ेगा ना, वोट में उसकी बात नहीं कर, मानना पड़ेगा आपने को। किया। दूसरी बात, युवा जो है जो फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं उनका कैलकुलेशन जो हमने शुरुआत किया सो एक आइडल के रूप में वो नवनीत जी को देखते हैं, तो वो भी क्लास इधर परावर्तित होने वाला है। ये कैलकुलेशन लोग 7,00,000 पे जा रहे हैं, और मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा कि 2,00,000 वोटों से नवनीत राणा चुन के आ रही है, 4 तारीख को आपको इसका पता चलेगा। 7,00,000 वोट मिलेंगे भैया, 3,00,000 से चुन के आऊंगा, फिर 2,50,000 जो भी है, दो कैलकुलेशन भाई, 7,00,000 गए तो बलवंत वानखेड़े की 1,00,000 कम हो जाएंगे, 1,50,000 इसके तो 7,00,000 3,00,000 से आएंगी। हाँ, यदि आप 7,00,000 वोट, 7,00,000 पक्के बोलो 3,00,000 से आएंगी, ये तो आपने आपने मेरे ऊपर 1,00,000 का बोनस दे दिया। क्वेश्चन जो बता रहे उसके आपसे कि 7 उनको मिलना, तो भैया भर्ती तो करनी पड़ेगी नहीं, इधर से 3,00,000 वोट चुन के आएंगे। हमारे साथ में जीतू जी जो आज भी 7,00,000 वोट की बात कर रहे हैं नवनीत राणा की, इतनी विरोधाभास होने के बाद देश में भी मोदी की लहर विरोधाभास फैली, दो दिन में जरूर सारे एग्जिट पोल है जो मोदी के फेवर के आ गए, साथ में अमरावती के भी कई चैनल ने जो किया, एकमात्र एक हमारा कल का चैनल और एक TV9, बाकी सब लोगों ने नवनीत की हार यहाँ पे उनके सर्वे में बताई। अब ये सारी चीजें सबकी आकलन की, अपने अपने अनुमान, हमने अपना अनुमान अपने ढंग से लगाया, जीतू सुधा ने अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं, 4.5 1,00,000 वोट से बलवंत वानखेड़े चुन जाए, और नितिन मोहर का कहना है कि 4.5 से ऊपर नवनीत राणा को नहीं मिलते, और ये 7,00,000 से 2,50,000 का जो वोट का डिफरेंस है, अब ये 4 तारीख को पता लगे कि किसके रुख पे जाते हैं, किसके गोदी में जाके ये वोट बैठेंगे, और कौन चुनकर आएगा, किसका विजय रथ यहाँ से निकलेगा। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, हम इनसे पहले वापस जीतू बाबू को फिर कल आज जातिगत समीकरण कल वापस हम बुलाएंगे कि जातिगत समीकरण में भी विधानसभा के समीकरण में तो हमारे समीकरण में बहुत कम मार्जिन से नवनीत आए हैं, जो कांटे की टक्कर जो बात कर रहे हैं, युवा स्वाभिमान वाले भी कांटे की टक्कर की बात करते हैं आज, ठीक है चैनल के सामने नहीं, चंदू भैया मिल रहे हैं करके, कांटे की टक्कर आपने भी मानी है, कई बार हमने चर्चा की उसमें भी, और टक्कर कांटे की हमारे हिसाब से भी दिख रही है, जीत किसके भी हो लेकिन ये सारा पता लगेगा, चाहे ये तो महज हमारे सबके आकलन है, हम यहाँ 4 लोग बैठे, 4 अलग अलग मत, कहीं भी मेरा मत इनसे नहीं मिल रहा, इनका मत इनसे नहीं मिल रहा, इनका मत इनसे, सबने अपने अपने आकलन करके रखे, लेकिन सही है कि 4 तारीख को मिलेंगे, जीतू बाबू को वापस बुलाएंगे, नितिन भैया भी वापस आएंगे, और ये भी आ रहे हैं, जब तक आप देखते रहिए हमारा सिटी न्यूज चैनल, और लगातार हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। अब ये जातिगत समीकरण आज ही आपके सामने वापस प्रस्तुत किया जाएगा कि किस प्रकार जाति के समीकरण में कौन आगे है कौन पीछे, ये देखते रहिए, और थोड़ी देर में वापस हम लोग प्रस्तुत हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने स्टूडियो में